हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है गाइस फ्यूचर गेमिंग के एक नए वीडियो में। तो बहुत बहुत थैंक यू गाइस मेरे सभी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होनी है गाइस। मैंने जो भी पिछले वीडियो में बताया था मैंने यूट्यूब की वीडियो में, तो इस वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो इस वाली वीडियो में बताऊंगा आप फ्री में कैसे गेम खेल सकते हो गाइज आपने डाउनलोड करके। तो आपको सिंपल सा आपका इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी नेट नहीं जाएंगे गाइज, जाएंगे इनके सर्वर वालों का नेट। और सिंपल जो जो भी गेम खेलने आपको आप डाउनलोड करके आराम से खेल सकते हो, जो कौन सा भी हो, पीसी का जो भी पीसी की गेम्स है उसमें सभी कौन से भी आप एक गेम खेल सकते हो। तो सिंपल सा आपको सबसे नीचे आना है गाइज, और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे दो दिख रहे होंगे आपके ऑप्शन। तो मैंने पिछली बार इसके बारे में बताया था गाइज स्ट्रीम के बारे में, और इसके बारे में बैटल बिजर्ड जो भी कुछ है बैटल डॉट नेट का बारे में, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। तो मल्टीप्लेयर का गाइज, तो मल्टीप्लेयर में भी मैं थोड़ा वायरस इसमें रिसर्च चालू मेरा इसमें, इसका मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो सिंपल सा हम करेंगे स्ट्रीम का ओपन। तो यहाँ पे जो भी गेम्स है आपको गाइज वो गेम आपको सिंपल सा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का जो भी आपके पीसी में खेलते हो आप पीसी में वैसे ही खेलना है। अगर आप चाहते हो इसमें इसको पीसी में खेलना था तो जो भी स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन है गाइज, स्क्रीन मिरर से आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी आपको कंपेयर टू मोबाइल डिवाइस। अगर जब मोबाइल डिवाइस में खेलते हो आप तो थोड़ा फर कम दिखता है, आगे के बंद दिखते नहीं। अगर फॉर्टनाइट भी खेल रहे हो तब भी इसमें आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको जो भी गेम डाउनलोड करने हो आप, मैं आज में बताऊंगा आपको कि आपको डाउनलोड गेम कैसे करना है इसमें और कैसे प्ले करना है। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है, एक एक स्टेप इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो आप सिंपल सा आपका ये नहीं होगा। तो मैंने पिछली बार भी देखा था गाइज, तो मेरा स्ट्रीम का अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मैं कैसे सेपरेट वीडियो बनाऊँ स्ट्रीम का अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। सिंपल सा आप मुझे कमेंट कर लीजिए। तो मैंने पिछली बार आपको दिखा था गाइज लाइब्रेरी में मेरे कितने गेम है। तो सिंपल सा हम इस बार जाएंगे स्टोर में। तो मैं यहाँ पे गेम पैड कनेक्ट कर रहा हूँ, गेम पैड करने। तो सिंपल सा इसमें जाने के बाद आपके यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा है गाइज सेकंड वाले में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टॉम रेडर भी है, बहुत सारे गेम्स यहाँ पे जो भी स्पेशल में गाइज वो है। तो सिंपल सा आपको ये बाय करना पड़ेगा। तो आपको अगर स्ट्रीम में है तो आप इसे फ्री में खेल सकते हो। अगर आपके स्ट्रीम में कौन सा भी गेम है, अगर आपके पास स्ट्रीम अकाउंट है पहले से और बाय कर रखे है तो आपके यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेज है। अगर आपके पास 200 से गेम ऊपर डाउनलोड कर रहे हो स्ट्रीम में बाय कर रहे हो सॉरी, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा डाउनलोड करना है और प्ले करना है। यहाँ पे जो भी जितना भी डाटा रहेगा तो इनका जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो सिंपल सा आपको गेम्स में जाना है तो फटाफट से, तो यहाँ पे थोड़ा लेट होगा। यहाँ पे गेम्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री पे जाना है आपको, फ्री टू प्ले पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे गेम्स रहेंगे। अर्ली एक्सेस का रहेगा, आपने आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो और डायरेक्टली जाके प्ले कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सभी गेम जो है, तो डाउनलोड करना पड़े। मैंने यहाँ पे बहुत सारे गेम्स डाउनलोड कर रखे गाइज, तो आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत ज़्यादा गेम गाइज। अगर आप यहाँ पे एक एक करके डाउनलोड भी करोगे ना तो आपको 4-5 महीने लग जाएंगे सभी गेम को प्ले करने के लिए। आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे गेम्स है गाइज, तो आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये मैं वीडियो थोड़ा इसके आगे का वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ गाइज, ताकि मेरा माइक ख़राब हो गया था तो वीडियो बनाने के टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जी फोर्स का कुछ आ सकते थे। यहाँ पे जो एकदम ज़्यादा भी हाई रेटेड गेम्स आप ये मंजे 4K में या अल्ट्रा HD में नहीं खेल सकते गाइज, लिमिटेड टाइम के लिए ही खेल सकते हो आप। जैसे HD तक तो खेल सकते हो, 1080 तक। तो आप यहाँ पे डाउनलोड स्पीड भी देख सकते हो, डाउनलोड स्पीड भी यहाँ पे कुछ लगभग 100 MBPS या 120 MBPS के आसपास जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता गाइज डाउनलोड स्पीड। तो मैंने एक बार को 43 GB का गेम था गाइज, कॉल ऑफ ड्यूटी शायद या दूसरा कौन सा डोटा, तो ये बहुत ही हाई लेवल के गेम थे तो मैंने इनको भी डाउनलोड किया था। तो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको जैसे भी आप प्ले पे इस पर क्लिक करोगे तो आपका सिंपल सा गेम चल जाएगा। आपको कुछ नहीं गाइज, अगले अब 100% गाइज में जो भी इसका आगे का वीडियो रहेगा उसमें आपको इसका जो भी अर्ली एक्सेस रहेगा, अर्ली एक्सेस या NVIDIA का जो भी प्रॉब्लम है गाइज, आपको कैन नॉट कनेक्ट दिखा रहा है, तो वो मैं यहाँ पे आराम से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा गाइज। तो देख लीजिए अभी आप जितने भी गेम्स है गाइज वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको सिंपल सा यहाँ पे तो घुमा फिर के बाद कहो गाइज, तो सिंपल सा आपको क्या मिलेगा, एक आपको ये मिल जाएगा आप पे एक कंप्यूटर मिल जाएगा आपको। तो कंप्यूटर में आपको जो चाहिए वो कर सकते गाइज, ब्राउज़र चला सकते हो। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था गाइज आप यूट्यूब कैसे चला सकते हो। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ गाइज मैं आपको गेम आप डाउनलोड करके कैसे खेल सकते हो। आपको जो भी गेम है गाइज वो डाउनलोड करके आप खेल सकते हो। अगर आप GTA 5 भी बाय करते हो गाइज, GTA 5 PUBG लाइक
बहुत सारे गेम्स है गाइस उसमें, वैसे गेम्स भी आप बाय करते हो तो सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, उनको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो 65 GB या 70 GB आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से लगभग 65 GB आपको डाउनलोड करने में सिर्फ 5 मिनट जाएंगे, 5 या 6 मिनट जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ आपका जाएंगे नहीं। तो सिंपल सा यहाँ पे 200-300 Mbps से स्पीड चलता है गाइज, और आपका जो भी गेम है गाइज आराम से डाउनलोड होता है। तो सिंपल सा देख लीजिए, आप ये और एक गेम डाउनलोड कर रखा है गाइज, 2.8 GB का है तो आराम से डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपल सा देख लीजिए आप। तो आपको मैं एक दो तीन गेम ये भी दिखा देता हूँ गाइज, GTA 5 और वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो सिंपल सा ये डाउनलोड होने देते हैं, ये डाउनलोड होने के बाद आपको जो भी दूसरे गेम से वो भी डाउनलोड करके दिखा देते हो आपको। जो अगर आपके पास पहले से डाउनलोड कर रखे गए स्ट्रीम में, तो आपको आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी गाइज, अगर आपने स्ट्रीम में बाय कर रखा है तो। अगर आपने स्ट्रीम में बाय नहीं कर रखा तो आपको सिंपल सा ये जो भी फ्री वाले गेम है वही खेलने पड़ेंगे। तो मैंने भी बाय नहीं कर रखा गाइज स्ट्रीम में, तो मेरे को भी फ्री वाले ही खेलने पड़ते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा ही खेल रखा है। तो अगर आपके पास जो का भी इंटरनेट है तब तो आराम से चल जाएगा सिंपल सा ये, इसके ज़्यादा यूज़र्स नहीं है तो इसलिए आराम से चलता है गाइज। आप क्लाउड गेम्स देख लीजिए, आप क्लाउड गेम्स में इतने सारे यूज़र्स आ चुके हैं तो इनकी प्राइस भी बढ़ चुकी है। तो जब तक गाइज ये फ्री में है तब तक आप इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। तो इसका जो भी अर्ली एक्सेस है गाइज वो जल्दी से जल्दी नहीं मिल पा रहा, कुछ लोगों को तो नहीं मिल पा रहा। मेरे भाई के इसमें भी देख रहा था मैं, मेरे दोस्त के इसमें, उनको दोनों को भी नहीं मिला गाइज, लेकिन मुझे मिल गया। कैसे मिल गया वो तो नहीं पता, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी इसका हल भी लेके होंगे, आपको कैसे अर्ली एक्सेस लेना और कैसे नहीं। अगर तब भी नहीं मिलता गाइज तो सिंपल सा आपको इसका जो भी लॉन्च होगा गाइज जब तब आप ले सकते हो। तो मेरे को भी पता नहीं लॉन्च हुआ कि नहीं, तो शायद बीटा वर्जन में। तो सिंपल सा आपको मैं कट करके गाइज यहाँ पे गेम प्ले देख सकते हैं आप, मैंने लॉन्च किया है। तो सिंपल सा आपको जो भी गेम प्ले तो फटाफट यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पे जो भी साइन इन करना पड़ता है गाइज इनके, इसमें अकाउंट क्रिएट करो फिर बाद में वो ऑनलाइन खेलो World War 2। तो ये बहुत मुझे बोरिंग लगता है, तो सिंपल सा मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँगा इसे। तो सेटिंग में जाऊँगा पहले, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है कि नहीं, तो नीचे हाँ क्यूटन देख लीजिए आप, नीचे पीछे आ गया। तो सिंपल सा आपको मैं एक GTA 5 और इसके बारे में दिखा देता हूँ। तो आपको GTA 5 या PUBG दिखाने से पहले गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ CSGO लगा के। तो देख लीजिए आप जो भी नया CSGO है गाइज अभी का, तो वो लगा के दिखा देता हूँ। मैं Dota 2 भी लगा के दिखा सकता था, लेकिन मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा बंडल दिखता है गाइज, बोर दिखता है बहुत। जो उसका जो भी गेम प्ले गाइज वो क्लैश ऑफ क्लैन की तरह है, तो इसलिए मुझे क्लैश ऑफ क्लैन जैसे गेम्स पसंद नहीं आते। पहले बहुत खेलता था गाइज मैं क्लैश ऑफ क्लैन जैसे गेम, लेकिन अभी तो नहीं खेलता मैं। अभी जो भी AAA गेम्स या ज़्यादा FPS वाले गेम्स है कोई खेलना पसंद करता हूँ मैं। तो सिंपल सा देख लीजिए आप, हमारा गेम जो क्लिक करने के बाद लॉन्चिंग हो रहा है, लॉन्चिंग होने के बाद आपको जो भी स्टार्टिंग में जैसे भी CSGO की तरह आता है गाइज वैसा आएगा। तो मुझे इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मैंने अभी तक ये खेला नहीं है, लेकिन जो भी आप ये करते गाइज गेम चलाते हैं तब उसी का प्रॉब्लम आती मेरे को, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। तो देख लीजिए आप गाइज सिंपल सा जो भी PC की तरह है वैसा ही है। आपको यहाँ पे माउस का कर्सर इधर उधर लेके जो भी प्लेयर रेगुलर है मैच प्ले का करना पड़ता है वहाँ पे क्लिक करके प्ले करना पड़ता है। तो सिंपल से आप देख लीजिए मैं जो भी मैच स्टार्ट करूँगा नीचे तो मैच स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे सेटिंग्स भी है गाइज, आप सेटिंग्स भी देख सकते हो बहुत सारी है। तो देख लीजिए सेटिंग्स यहाँ पे आपका, अगर चाहे तो आप Ultra HD भी कर सकते हो और लो मीडियम भी कर सकते हो, लेकिन इसमें Ultra HD चल रहा है गाइज, आप Ultra HD करो। तो सिंपल सा हम यहाँ से इसे एग्जिट कर देंगे, एग्जिट करके आपको PUBG दिखा देते हैं गाइज में। PUBG कुछ 2999 रुपये में शायद हज़ार ही रुपये में। सिंपल सा बैग आएंगे हम स्ट्रीम में वापस आ जाएंगे, स्ट्रीम में वापस आने के बाद यहाँ पे स्टोर में जाएंगे। स्टोर में जाने के बाद आपको जो भी यहाँ पे बहुत सारी गेम्स गाइज आप देख भी सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे टॉप इसमें गए, टॉप सीलिंग में था शायद, हाँ ये देख लीजिए आप नीचे टॉप सीलिंग में गाइज PUBG। तो आप सिंपल सा PUBG पे क्लिक, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे नीचे थोड़ा नीचे GTA 5 भी है। तो GTA 5 यहाँ पे 2000 का है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो सिंपल आपने बाय कर लिया स्ट्रीम में, तो आपका गेम आपके पास रहेगा गाइज हमेशा के लिए। आपको इसमें कोई भी ये नहीं पाया ये रहेगा गाइज, टाइम लिमिट नहीं रहेंगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल सा बाय कर लो और ज़िंदगी भर खेलते रहो वैसे ही रहेगा। तो PUBG का भी वैसा ही, तो देख लीजिए आप PUBG का भी कुछ ऐसा ही गाइज। तो PUBG भी 1000 रुपये के आसपास गेम है गाइज, 1000 रुपये नहीं, 1000 रुपये के आसपास ही गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा और फिर आप इसकी यहाँ से NVIDIA में से गेम खेल सकते गए। तो NVIDIA जो भी गाइज आपने जो ग्राफिक कार्ड देखोगे NVIDIA के वैसा ही। तो चलो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर, अगर जाना मत गाइज। तो चलो मिलता हूँ मैं अगले ब्रांड में, तब तक बाय गाइज।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। With the bands.